इस मौके पर सबसे पहले एक बार पुनः प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं झुंझुनू की इस पावन धरती पर। ये ऐतिहासिक जमीन है शेखावटी का, ये मुख्यालय झुंझुनू। यहाँ जैसा ओला साहब ने कहा, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, सभी यहाँ लोग आए और एक जुड़ाव और एक संबंध इस परिवार से बना हुआ है। आज स्वर्गीय श्री श्याम ओला जी की मूर्ति का अनावरण प्रियंका जी के करकलमों से हुआ है। ये अपने आप में इतिहास में एक और कड़ी जुड़ गई है। हर पीढ़ी का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज से 30 दिन के बाद राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है। 25 नवंबर को वोट पड़ेंगे और प्रियंका गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आप सब यहां पे आज मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो मेहनत करी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वो सभाएं कर रही है मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में, वो टोंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज झुंझुनू में आई है, और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी, लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होती चली जा रही है। मैं आज हमारे पार्टी, हमारे परिवार से जो लोग नए जुड़े हैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी को, कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा, दम मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो 9 साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है उसके हम सब गवाह हैं। कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं, मध्यम वर्ग हो, सैनिक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर व्यक्ति को झांसे में लेकर लगातार उसके ऐसी नीतियों का निर्माण किया जिससे लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, 1.5-2 साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या करी, झुंझुनू के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ थे मुखर होकर अपनी बात को बोलते थे, अंत में केंद्र की सरकार को किसानों की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है, नौजवानों को ताकत देने का काम, राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम इन सब लोगों ने किया है। आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और साथियों, झुंझुनू में तो शेखावटी में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, शेखावटी में जो ताकत और मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी उसी के दम पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी। इसीलिए आप लोगों का दायित्व बढ़ जाता है, आपस के मनमुटाव बढ़ाकर आज हमारा लक्ष्य दूसरा है। पूरा देश जानना चाहता है कि राजस्थान की जनता किस करवट बैठेगी। इन विधानसभा चुनाव के परिणाम से आने वाले देश की राजनीति तय होने वाली है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह करें, 4.5 साल बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया तो रथों पर बैठकर यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति राजस्थान में रही सिर्फ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही, आज तक मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान के लिए आपका विजन क्या है, रोडमैप क्या है, आप अगले 5 साल में प्रदेश को क्या देंगे? आलोचना करना, बेईमानी करना, लोगों को भड़काना, हिंदू मुसलमान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बातें करते हैं। और हमारे कांग्रेस के साथी, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उसके आधार पर सरकार ने काम किया, खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकित्सा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और आज जनता ने मन बना लिया कि 30 साल की जो परिपाटी प्रदेश में कायम हो गई थी उसको तोड़ना है और 5 साल का जो मामला था उसको समाप्त कर सभी लोग भारी मतदान कर। और मैं तो उस मन से कहना चाहता हूं, ओला साहब, आपके यहां पर भाजपा ने उम्मीदवार दे दिए और पिछली बार जो जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी उससे बड़ी जीत इस बार झुंझुनू होने वाली है, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं आप सब लोगों से करवट निवेदन करता हूं कि एक एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगना चाहिए। ये हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है और प्रियंका जी के आह्वान पर हम सब लोगों को पहले से ज्यादा बहुमत शेखावटी झुंझुनू से लेकर हम लोग आएंगे और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाएंगे। मैं इस मौके पर पुनः प्रियंका जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोग जो कि भारत आदाब में यहां पर आए, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद, राम राम साहब। अब राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आपको संबोधित करें।
राम राम सा। आज हमारे बीच में हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा जी, हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे आपके लोकप्रिय नेता हमारे मंत्री आदरणीय ब्रिजेंद्र ओला जी, हमारे सह प्रभारी साहिबान, हमारे मंत्री और विधायक साहिबान, हमारे चारों वो लोग जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उन सबको साथ लेते हुए सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, हम सब मिलकर के हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रियंका जी, ये वो झुंझुनू जिला जिससे सेना में हमारे नौजवान इस देश की रक्षा करते हैं, अपने प्राण न्योछावर करके देश की आन बान और शान ऊंची करते हैं, ये नौजवानों का जिला, शहीदों का जिला, वीरों का जिला, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला साहब ने पौधा लगाया था, आज वट वृक्ष बनकर के पूरे देश में अगर बालिका शिक्षा सबसे अव्वल है तो वो झुंझुनू जिला है, जहां पर आज सभा करने के लिए हम सबके बीच में आप पधारी हैं। मैं समझता हूं कि शीशराम जी ओला साहब ने इस जिले को ही नहीं, प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसान नेता के रूप में 3600 कौमों को साथ लेकर के इस देश में काम करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, हम सब उसमें शामिल हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। ओला साहब का विजन, ब्रजेंद्र जी का विजन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मूर्ति, और इस प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए ये इस प्रकार का ये संस्थान, मैं समझता हूं ऐसी सोच के व्यक्ति ने इस राजस्थान में झुंझुनू जिले को सबसे अव्वल बनाने का काम किया था, आज उनको हम सब लोग याद कर रहे हैं। भाई लोगों, चुनाव आयोग टिकटा बट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी बांट रही है, मैं तो थाने एक ही निवेदन करवा के लिए हाजिर हुए हूं कि आज शेखावाटी ने मुख्यमंत्री जी संभाग बना दियो, संभाग बना दियो, अरे संभाग को फल आपने जनता ने जब मिले वो तो आपनो धर्म बने, कहता काम हुआ, 10 तरीके की गारंटी हुई, ओला साहब ने कोई कोर कसर काम में नहीं छोड़ी, और यहां से जो काम आपने सरकार को बताया सरकार ने किया, जो आपने संगठन से अपेक्षा की वो संगठन ने किया, और शानदार जब शानदार काम हमारी सरकार ने किया है तो आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार इस चुनाव में भारी बहुमत के साथ में रिपीट होनी चाहिए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले चुनाव में भी झुंझुनू जिला ने आदरणीय प्रियंका जी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक सीट गई थी, मैं इनके बलबूते पे, इनके भरोसे पे ये आपको निवेदन कर सकता हूं कि अब की बार झुंझुनू जिले से एक भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आएगी, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहले 2 सीट आ गई थी, लेकिन उपचुनाव में 33,000 से कांग्रेस की टिकट जीत करके मंडावा से हमारी बहन रीता चौधरी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अग्निपथ ला करके झुंझुनू जिला और राजस्थान के हमारे किसान के नौजवानों के साथ में जो धोखा इस मोदी सरकार ने किया है, मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, ये समय आ गया है बदला लेने का। 25 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर दबा करके बता दीजिए कि आपने हमारा कितना नुकसान किया है, ये समय आ गया है। 15 महीने जो किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने किया था, उसका बदला लेने का समय आ गया है।
25 नवंबर को हम बता देंगे कि आप किसानों की विरोधी सरकार है, किसानों के साथ में आपने भेदभाव किया है, 700 किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उन जो किसान 15 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे, अगर उन किसानों की शहीद हो गए तो उनका बदला लेने का समय अब वोट के माध्यम से हमारे सामने 25 तारीख को आ रहा है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं था के पड़ोस को हूं, था को हूं, कोई को भाई, कोई को बेटो, कोई को रिश्तेदार, मैं एक ही निवेदन कर वो चाहूं, शीशराम जी ओला साहब ने जिंदगी में 50-55 साल तक इस झुंझुनू को और राजस्थान को देने में कसर नहीं छोड़ी, आज विजेंद्र जी ओला ने नहीं छोड़ी, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देने में कमी नहीं छोड़ी, और राहुल जी जो हमारे नेता है 4,000 किलोमीटर यात्रा करके मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब हम सबको उठ खड़े होना है, घर घर जाना है, गांव गांव जाना है, और यहां से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको जीता करके राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी और दिल्ली में मोदी जी का तख्ता पलट होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये शुरुआत इस 2023 के चुनाव से हमको विधानसभा से करनी है। एक बात गांठ मान लो, कांग्रेस है तो किसान है, कांग्रेस और किसान को चोली दामन को साथ में है, इसलिए किसाना को इस जिले झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आनी चाहिए। वो संकल्प हाथ खड़ा कर प्रियंका जी ने बता दो सारा का सारा कि हम यहां से 7 की 7 सीटें कांग्रेस की झोली में आपके माध्यम से डाल करके खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, आपको संबोधित करें। हमारे नेता एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी नंदा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, हमारे साथी संजय जी, प्रेमवला जी, हमारे वरिष्ठ साथी अमरान चौधरी जी, गोविंद राम मेघवाल जी जो चेयरमैन है कैंपेन कमेटी के, काजी निजामुद्दीन जी, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ जी सचिव एआईसीसी के हैं, यहाँ उपस्थित हमारे विधायकगण, यहाँ लोकल जो जिले के विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, चंदेलिया जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रवण कुमार जी पूर्व विधायक, और जिला अध्यक्ष दिनेश सोडा जी, और हमारे प्रत्याशी भगवान राम सैनी, सम्मानित मंच उपस्थित हमारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रियंका गांधी जी आज आई यहाँ पर अड़ावता के अंदर। अड़ावता का नाम इतिहास में अलग स्थान रखता है। ओला साहब के बारे में भी बहुत कुछ बातें कही गई, आप बताइए 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, देश में कितने लोग रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। लंबा राजनीतिक जीवन जीने वाले, फौज में रहे थे जवानी के अंदर, अड़ावता में सरपंच बने 48 के अंदर कल्पना के लिए, और 52 में जो बालिका शिक्षा का बीड़ा उठाया जो आधे वक्त वर्ष बन चुका है। मैं समझता हूँ कि ओला जी को 68 के अंदर जब पद्मश्री मिली थी, हम लोग छात्र थे उस जमाने के अंदर, मैं खुद छात्र था, पढ़ते थे शीशम ओला नाम का एक फौजी जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया झुंझुनू के लिए, समाज के लिए, उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, तो कितनी खुशी हुई होगी प्रदेशवासियों को।
मां से शुरुआत करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी प्रियंका जी को आप सुनेंगे, हम चाहेंगे कि हम तो रोज बोलते रहते हैं, आप लाइव देखते होंगे सुनते होंगे, प्रियंका जी का तीसरी बार आना हुआ है, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। निवाई में आई पहले, वो सिकरे में आई है, अब अलापा की ऐतिहासिक भूमि पर आई है जहाँ ओला साहब की मूर्ति का अनावरण आपके कार्यक्रम से हुआ है। ये मुबारक मौका भी हमारे लिए, मुबारक मौका होता है। ओला साहब हमारे बीच नहीं रहे, वो दुख तो हमेशा रहता है, पर वो मूर्ति लगी है, जैसे शहीद की मूर्ति लगती है, महापुरुष की लगती है, तो क्यों लगती मूर्ति? इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ियां देखिए मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है। और प्रेरणा देता है, नौजवान भी जीवन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ करके गुजरना है, इसलिए मूर्ति लगती है। या इस कैंपस के अंदर पंडित जी की मूर्ति, जवाहरलाल जी की मूर्ति है, राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है। आप सोच सकते हैं कि ओला साहब का पूरा परिवार गांधी परिवार के लिए समर्पित रहा है, बचपन से ही समर्पित रहा है। ये झलक मिलती है बिरेंद्र ओला जी के अंदर भी, बहुत ही सादगी के साथ रहते हैं। ये मेरे बार दूसरी बार मंत्री बने मेरे साथ में, जब पहली बार मंत्री पिछली बार था तभी मेरे मंत्री थे। मैंने इनको काम की नजर से देखा है किस प्रकार से ये अपना काम संभालते हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ। इस मुबारक मौके पर अभी आपने देखा ज्वाइनिंग हुई है पार्टी के अंदर, ममता शर्मा जी हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं, शोभा रानी कुशवाहा जी अभी बीजेपी के विधायक है धौलपुर से, डॉक्टर विकास चौधरी जी जो हमारे बीजेपी के नेता हैं किशनगढ़ से, और इंद्रा चौधरी शर्मा जो हमारा नौजवान साथी बूंदी से। ये अब मैसेज है प्रदेश के अंदर, जो सरकार ने काम किए राजस्थान के अंदर, जिसका जिक्र बार बार हमारे सब वक्ता करते हैं, आप सब जुनू जिले के लोग हैं, जुनू जिला आजादी के पहले से ही वो जिला देश के अंदर जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव पहले से रहा है, यहाँ पर यहाँ के जो बड़े बड़े बांगर बिरला गोयनकार सिंगानिया जो भी बड़ी हस्ती हुई है, जमा बाजार जो गांधी जी के साथ थे, वृद्धाश्रम सेवाग्राम आश्रम बनाए उन्होंने, AICC के कोषाध्यक्ष थे, तो इस शेखावटी ने क्या नहीं दिया देश को, कांग्रेस को। घनश्याम दास बिरला गांधी जी के साथ खड़े रहे आजादी के जंग के अंदर, आज भी वो लोग देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। शिक्षा के अंदर भी बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस, जो कॉलेज हम बनाते हैं मैं देखता हूँ वैसी कॉलेज तो स्कूल बनी हुई आपके यहाँ पर शेखावटी, नवनगढ़ हो चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, यहाँ कमला बनी भाई जी जैसी, सुमिता सिंह जी जैसी लड़कियों जमाने की मनस्ली में जाके पढ़ी है। इसका मतलब आपके जो पूर्व थे उन्होंने भी शिक्षा पे ध्यान दिया, और मेरा भी मानना है बिना शिक्षा जीवन में अंधेरा है। आज शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं, हमारी सरकार की लंबी फहरिस्त है हमने क्या क्या शिक्षा के लिए किया है। 76 साल में कॉलेज खोले 250, और मैंने 5 साल में कॉलेज खोल दिए 310 कॉलेज, उनमें 130 लड़कियों को लिए गर्ल्स कॉलेज है। ओला साहब बैठे हैं, पूछो, मैंने कह रखा था सब MLA को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कहानी करके दिखाया, करके दिखाया शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य सेवा में तुमने कीर्तिमान स्थापित किए, 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुर्घटना बीमा, महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी आप लोगों को, वो गारंटी खाली दी नहीं है, लागू भी कर दिया हमने। पेंशन राजस्थान वो राज्य है जहाँ 1 करोड़ लोगों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःसज्जनों को पेंशन मिलती है, पति पत्नी 2000 मिलती है प्रति माह। ये सोशल सिक्योरिटी है,
ये कोई ऐसा नहीं आपके ऊपर, ये सरकार का दायित्व है। हर महंगा का दौर है, राहुल गांधी जी यात्रा थी, भाग जोड़ यात्रा, चार मुद्दे थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत का समाज के अंदर, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती है, नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे गर्व कहते हुए कि मेरी सरकार का बजट जो आया है वो चारों मुद्दों को लेकर आया है। 3 लाख नौकरी है, अधिकार नौकरी मिल चुकी है, महंगे राज शिविर में जो जो हमने फैसले किए, चाहे बिजली को लेके हो, 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों के लिए, अलग बजट किसानों के लिए, हिंदुस्तान में कहां पे नंबर 1 राजस्थान है जहां पर मैंने शुरुआत करी, उसके बाद तमिलनाडु ने शुरुआत करी, अलग बजट किसानों के लिए। आप सब किसान बैठे हुए हो, काले कानून की बात अभी 2-2 साल नहीं की आपको, हमारे अध्यक्ष जी ने, पूरा देश हिल गया था। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी जी को झुकना पड़ा किसानों के सामने, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, काले कानून वापस लेने पड़े उनको। इतने मैं कहना चाहूंगा, एक के बढ़ के एक हमने फैसले किए थे, इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं वो भी राजस्थान चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते गायों की भी, मंदिरों की भी निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, जो पुजारी उनका मानदेय बढ़ा दिया राजस्थान के अंदर, गायों का विभाग अलग बना दिया हम लोगों ने। लंबी रोड में गाय मर गई थी, आप बैठे होंगे लोग, 40,000 रुपये प्रति गाय मैंने पेमेंट करवाया है। लंबी रोगी गाय मर गई थी, गाय मारे तरह तरह के मरी थी उस वक्त में, हम भूल नहीं सकते। और आगे काम देनों योजना के अंतर्गत बीमा कर दिया गायों का, भैंसों का भी 40,000 का बीमा रहेगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से जो हमने फैसले किए वो आपके सामने है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो कहा 500 रुपए में सिलेंडर, गैस सिलेंडर हिंदुस्तान में कहीं नहीं रहा, हमने दिया है 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि सारे हमारे फैसले पानी हो चाहे बिजली की जनरेशन हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़कें हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी राजस्थान के अंदर बन रही है, शानदार सड़कों वाला राजस्थान है आज। नेशनल हाईवे के अलावा भी स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स बन रही है, गांव में रोड बना रहे हैं हम लोग। इसलिए सोशल सिक्योरिटी सहित जो काम हम कर रहे हैं उनकी अलग पहचान बनी है, और हमने कहा है महिला हमारे टारगेट है, किस प्रकार ये सशक्तिकरण हो। राजीव गांधी जी ने पहली बार 73-74 अमेंडमेंट किया, जब गांव में महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधान बनती है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, चेयरमैन बनती है, शहरों के अंदर सशक्त हुई महिलाएं, देश की महिलाएं सशक्त हुई है। सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा, वो कानून लाना पड़ा। यूपी गवर्नमेंट ला चुकी थी कानून, 1 सेकंड पास हो गया था, तो पास नहीं हो पाया बाद में। अब वो कानून भी पास होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और हम लोग स्मार्टफोन और महिलाएं जो है वो भी गांव में जाओ, ढाणे में जाओ, महिलाएं मोबाइल से बात करती है, उनकी बच्चियां पढ़ती है मोबाइल से, वीडियो कॉलिंग पढ़ती है, वो ऑनलाइन पढ़ती है। एक महिला अपने पति से बात कर सकती है, माँ बेटे से बात कर सकती है, चाहे वो विदेश में रहे या कहीं रहे। ये क्रांति है, ये क्रांति कौन लेके आया? राजीव गांधी लेके आए थे, जिनकी मूर्तियां लगी हुई है राजस्थान के अंदर, इस कैंपर के अंदर। उस पर लोग समझ नहीं पाए राजीव गांधी क्या कहना चाहते हैं, 21st सेंचुरी की बात करते थे। अब मालूम पड़ा राजीव गांधी क्या चाहते थे, जब आपके हाथ में कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं आ गई, दुनिया भर से आप जुड़ चुके हो। एक क्रांति है, एक क्रांति है जिसको आप देख रहे हो अपने और अनुभव कर रहे हो आप लोग। नॉलेज पावर, ये नॉलेज पावर का एक आपके हथियार है हाथ के अंदर, जितना ज्ञान होगा उतना पावरफुल आप हैं। इसलिए इस प्रकार के फैसले हुए हैं जो आपके सामने हैं, ये कांग्रेस ही कर सकती है,
कांग्रेस के लोग भी विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है, इनकी तो धक्केनुशी नहीं है, इनकी तरह धर्म के नाम में लोग भड़काने वाले नहीं है, इनकी तो फांसी की सोच नहीं है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग, ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ आपको। धर्म के नाम बैठे हुए अलग बात है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा हालात बड़े गंभीर है। हमने तय कर रखा है, हमने जो आपको गारंटी दी, पहले आपको आश्वासन दिया था मैनिफेस्टो में, हमने 90% मैनिफेस्टो पूरा किया, घोषणा पत्र हमारा, हमने नंगे राष्ट्र में 10 आपके लिए वादे लिए थे, गारंटी कार्ड दिए थे आपको, वो सब काम लागू हो गए, खाली कहा नहीं है, लागू भी हो गए। 100 यूनिट बिजली, 1,04,00,000 लोगों का बिल जीरो हो गया राजस्थान, 1,04,00,000 लोग जीरो हो गए, 14,00,000 किसानों का बिल जीरो हो गया है 2,000 यूनिट बिजली फ्री करने से। क्या नहीं किया आप समझ सकते हो, हमने मिनिमम इनकम गारंटेड बना दिया राजस्थान में, शहरों में भी गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, नरेगा की तरह देश में 2-3 राज्य होंगे जो ये गारंटी दी है, लागू कर दिया है। इस प्रकार से जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, जो फैसले हमने किए हैं इसकी मेमोरी है, कानून ने पास किए हैं, उसके कारण राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया, पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर, ये राजस्थान के अंदर ऐसे स्कीम आ रही है, पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है स्कीमों की। 25,00,000 का बीमा फिर कहना चाहूंगा, कोई मामूली बात है, और सबको है, लोग समझते नहीं है, बाकी राज्यों में 15% के 20% 22% है पब्लिक कवर 5,00,000 के बीमे से, आयुष्मान भारत 5,00,000 का बीमा भारत सरकार का है, खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट का वो लोग कवर है, चिरंजीवी योजना में पूरा प्रदेश कवर है, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर पूरा पेश कवर है। इतने मैं कहना चाहूंगा, अब मैंने एक जो माहौल बना देश के अंदर उससे हमने भी तय किया है, मैं चाहता हूँ प्रियंका जी गारंटी, आज हमारी 2 गारंटी थी उनको प्रियंका जी के द्वारा हम घोषणा कर रहे हैं, प्रियंका जी ने कहा नहीं आप खुद घोषणा करो, इसलिए मैंने कहा चलो। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, हम चाहेंगे आपको आज तक किया वो आपके सामने है, बाधा बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, वक्त लग जाएगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, सब कुछ किया हम लोगों ने, निसर्जनों के लिए, विधवाओं के लिए, अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली, आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1,05,00,000 परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को, महिलाओं को सम्मान के रूप में परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष 2 किस्तों में, वो तो हम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ये सम्मान है उनका, महिला मुखिया का सम्मान होगा प्रदेश के अंदर, 10,000 रुपये जो मिलेंगे स्वाभिमान बढ़ेगा उसका, छोटे मोटे खर्चों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा उसका। चेचे में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, पेंशन देते हम लोग बुजुर्गों को 1,000 रुपये कर दी, मैंने पहले 500 रुपये थी, 750 थी, पति पत्नी है तो 2,000 रुपये मिलते हैं। आप बताइए ये बुजुर्ग लोग जो हैं, कई बार सासू पहरा मांगते बहू से
कि मेरी बेटी आने वाली ससुराल से या दोती आएगी तो मैं कुछ इनाम दूंगी उनको, और अगर बहू उसको तरजीह नहीं दे, सासू मांग रही है बहू मना कर रही है नहीं मेरे पास में, तो सासू जी का मूड ऑफ हो जाता, खाना नहीं खाता उसको सासू जी। हमने इंतजाम किया है कि सम्मान जब राशि मिलती है 2000 रुपए या 1000 रुपए तो वो परवाह नहीं करती है किसी की भी, उसके मालूम है बेटी आएगी दोस्ती आएगी दोस्ता आएगा तो आराम से 50 रुपए का नोट 100 रुपए नोट मुट्ठी बंद करके पकड़ा दूंगी, अपनी बेटी को पकड़ा दूंगी। सम्मान हो गया सासू जी का भी, बुजुर्ग महिला का भी, और साथ में घर में भी जो है पोते पोती छोटे बच्चे होते हैं वो भी आगे पीछे फिरते दादा दादी के, मालूम है कि जेब में पैसा है, दादा पानी लाऊं, दादी खाना खिलाऊं, खाना खाओगी, इसलिए मैं सेवा करूंगा तो मेरे को कुछ इनाम मिलेगा, मैं खर्च कर पाऊंगा। इस भावना के साथ में हमने इस बात को जोड़ा है और 1 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, राजस्थान वो राज्य है सब सरते राज्य, हमने 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे राजस्थान के अंदर 1000 रुपए मिनिमम दे रहे हम लोग, और साथ में ये कर दिया है 15% अपना भी बढ़ता जाएगा, प्रति वर्ष बढ़ता जाएगा, 1000 का 2000 होगा, 2500 होगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए हैं वो आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे क्योंकि मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ यहाँ पर, इंदिरा जी आई थी, राजीव गांधी जी आए थे, सोनिया जी आई थी, ये अराता का नाम ओला साहब के साथ जुड़ गया इस प्रकार से, और इतनी खुशी होती है जब चला उम्र पड़ा है प्रियंकाजी के लिए यहाँ पर सुनने के लिए उनको। मैं चाहूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें, मैसेज दे राजस्थान के अंदर, अगली सरकार अगर आपका ये प्यार रहा, आपकी मोहब्बत रही, आपका विश्वास रहा सरकार पर, तभी जो बात चलती है कि साहब सरकार बदल जाती है 5-2 साल के अंदर, वो रिवाज को आप बदल दोगे, सरकार रिपीट करोगे, मुझे बड़े यकीन है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। ओपीएस के लिए बात करके खत्म करता हूँ, ओपीएस लागू किया हुआ कर्मचारियों के लिए, वो भी हथियार बन गया देश के लिए, ओपीएस आईजीएसएस हेल्थ स्कीम है कर्मचारियों के लिए, वो भी शानदार है। आज केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अभी रैली हुई थी रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश भर के कर्मचारियों की, हमने तय किया है ओपीएस को लागू रखेंगे, चाहे कोई बात हो जाए खत्म नहीं करने वाले हम लोग। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आदरणीय प्रियंका जी को आमंत्रित करूं आपका संबोधन करने से पहले, आप कृपया करके भारी हर्षध्वनि से करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रियंका जी आप अब संबोधित करें, आप सादर आमंत्रित। मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। काफी समय से बैठी हैं, मैंने सुना 11:30 बजे आई थी। हाँ 11 बजे, गर्मी भी बहुत है और वहां पे काफी नौजवान लड़कियां भी। अब बोर हो रही हो? अभी नहीं तो मैं करती हूँ थोड़ा बोर तुझे। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सचिन पायलट जी,
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, श्री गोविंद सिंह दोतासा जी, श्री ब्रिजेंद्र ओला जी, श्री हेमाराम चौधरी जी, श्री गोविंद राम मेघवाल जी, राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, जेपी चंदेलिया जी, जितेंद्र सिंह जी, दिनेश सुंदर जी, श्रवण कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ शाकंभरी माता की, सालासर बालाजी महाराज की, खाटू श्याम जी की, बाबरिया बाबा की और आपकी इस पवित्र मिट्टी की भी मेरी तरफ से जय। आपकी ये जो मिट्टी है, इसने देश को बहुत कुछ दिया है। शीशा मोला जी जैसे नेता, अनगिनत शहीद सैनिक, आपने इसी धरती से स्वतंत्रता की अलग जगाई 1857 से लेकर आज तक। आपकी धरती के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। सबसे ज्यादा रिटायर्ड सैनिक झुंझुनू में ही है और सबसे ज्यादा सैनिक जो सरहद पे आज भी तैनात हैं, वह भी झुंझुनू से हैं। बिरला दालमिया सिंह यहां पर जो शिक्षा का केंद्र बना, जहां जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी इसका भी निर्माण आप ही ने किया। भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, यहां झुंझुनू में इसका मिसाल भी है। यहां चंचल नाथ जी के टीले पर कव्वाली भी सुनाई देती है और कमरुद्दीन जी की दरगाह पर भजन भी। ये राजस्थान प्रदेश वीरों का प्रदेश है। आपको गर्व होना चाहिए अपने प्रदेश पे। आपने हमारे देश को कितना दिया, आपकी मेहनती जनता, दिन रात काम करने वाले किसान, आप ही ने इस देश का निर्माण किया है, आप ही ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। आपका इतिहास शौर्य का है, शक्ति का है, एक ऐसा इतिहास है जिस पर पूरे देश को गर्व है। तो आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पर खड़ी हूं। ओला जी ने कहा कि मेरे परिवार के बहुत सदस्य मेरे से पहले यहां आए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की भी बात की, शायद पायलट जी ने आस्था की बात की कि किस तरह से झुंझुनू के लोगों ने इन नेताओं में अपनी आस्था रखी। चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता आते हैं, सबके भाषण सुनते हैं आप। कभी कभी मेरे मन में आता है कि सबके भाषण एक ही लगते हैं मुझे, हम उनको दोष देते हैं, वो हमें दोष देते हैं। हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं। हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा कि किसकी बात सही है और किसकी नहीं है? और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए,
किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, देश को किस तरह से मजबूत बनाना चाहते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए। और ये विजन जो होता है, ये रोड मैप जो होता है, इसी के जरिए फिर विकास होता है। जिस तरह से यहाँ आपकी आपका कॉलेज है, ये छात्राएं बैठी हुई हैं, आज आप पढ़ाई कर रही हैं। अगर एक ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप रोजगार ढूंढते हुए भटकते जाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसी सरकार है जो सोच नहीं रही है आगे के बारे में, भविष्य के बारे में, आप देखिए यहाँ पे बिट्स पिलानी है आपके क्षेत्र में, किसी के सोच के जरिए बनी, बिरला जी ने बनाई, नेहरू जी ने उनका प्रोत्साहन किया, कहा बनाओ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जिस जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए, और उन्होंने किया। आज की सरकार को देखिए, आज की सरकार सिर्फ दो उद्योगपतियों को का प्रोत्साहन कर रही है, सिर्फ दो। उनके जो मित्र हैं उनको पूरी देश की संपत्ति सौंपे जा रहे हैं, देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट, देश के जितने भी बड़े बड़े पीएसयू थे। अब आप सोचिए, मैंने भविष्य की बात की, भविष्य में सोचते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है जरूरी भविष्य के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए? बहने आप यहाँ बैठी हैं, आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, मेहनत करती हैं, रोज खेती में जाती हैं, मेहनत करती हैं, और उस मेहनत की कमाई से इन्हें पढ़ाती हैं, तो आप क्या उम्मीद रखती हैं इनके भविष्य के लिए, कि बड़े होकर नौकरी मिलेगी, कमाएंगे, खुद अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे? तो अगर एक ऐसी सरकार है जो रोजगार बना ही नहीं रही है, तो फिर आपके भविष्य का क्या होगा, जिसका विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि रोजगार कैसे बनेंगे। शिक्षा की एक नई संस्था नहीं बनाएंगे, जो पुरानी है उनको भी बिगाड़ के रख देंगे। अगर ऐसी सरकार होगी तो आपके भविष्य का क्या होगा? देखिए, रोजगार कहां से बनते हैं, समझ लीजिए ये बात। सबसे पहले तो बड़े बड़े जो पीएसयू थे इससे बनते थे। आज मैंने कहा आपसे, सबके सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं, वहां प्राइवेटाइज हो जाता है, उसमें ना आरक्षण होता है और उसमें ना रोजगार बनते हैं। तो जिसमें जिस सबसे बड़ी जो पीएसयू थे जहां से रोजगार बनते थे, वो तो इन्होंने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। और ये भी नहीं कहा कि चलो जितने अच्छे उद्योगपति हैं, मैंने इतने नाम लिए आपके सामने जो सब आप ही के क्षेत्र के थे, इन सबका प्रोत्साहन सरकारों ने किया था एक जमाने में, सबको मदद की थी कि आप बड़े बनेंगे तो आप रोजगार दिलवाएंगे, आपकी कंपनियां बड़ी होंगी तो मजबूती होगी देश में। आज सिर्फ दो उद्योगपति और उनके ऐसे ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे कारोबार हैं जिससे रोजगार नहीं बनते। तो एक तो रोजगार का जरिया यहाँ खत्म हो गया। दूसरा, रोजगार का सबसे बड़ा जरिया क्या होता था, माध्यम क्या होता था? खेती किसानी। और आपने सबकी बातें सुनी, आप खुद जानते हैं किसान का आंदोलन हुआ किस लिए हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, कितने किसान शहीद हुए, क्यों उतरे वो सड़क पे? क्योंकि ऐसे काले कानून ला रहे थे जो कि ये पूरी खेती किसानी भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंपने जा रहे थे। आपको अपनी जमीनों पर हक, अपनी खेती पर हक, वो सब बिगाड़ने जा रहे थे। और झुके, जरूर झुके, लेकिन ये भी समझ लीजिए बहनों और भाइयों, कब झुके? चुनाव से पहले झुके। जब चुनाव आ रहा था, किसानों को शहीद होने दिया उससे पहले, उनकी कोई सुनवाई नहीं की, सड़क पे बैठे हुए थे, खाना नहीं था, पानी नहीं थी, सर्दी थी, मुझे याद है उस समय किसी ने बात तक नहीं की उनसे। बात तब होनी शुरू हुई जब चुनाव सामने आ रहा था। तब तक हमने खुद आंदोलन किया, लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचलने वाले मंत्री के बेटे को उन्होंने बचाया, और वो मंत्री उनके साथ मंच पर बैठता था, कुछ नहीं किया। तब किया जब चुनाव आने लगे। तो आप सोचिए, किसानों ने आंदोलन किया, क्यों किया? जैसे मैंने कहा,
क्योंकि एक ऐसी नीति आ रही थी जो उनको कुचलने वाली नीति थी। इसी तरह से हर वर्ग को देखिए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए आप सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए पंचायतों में? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा। क्या करेंगे हम इस आरक्षण का अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए? तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। जो उदारता होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है। उदारता तो वो होती है जो किसान बाहर बैठा हुआ है सर्दी में, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सुनवाई तो कर लो, समझ तो लो क्या कह रहा है इस देश की जनता, क्या कह रही है आपसे। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है, और वो भी गिने चुने जो इनके मित्र हैं, जिनको पूरी देश की संपत्ति सौंप कर इनकी सत्ता मजबूत रहे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं उनसे आपका भविष्य कैसे बनेगा। ओपीएस की आपने बात की, अब जो कर्मचारी है 20-20 साल काम करता है उसकी क्या उम्मीद होती है? और सरकारी नौकरी, मुझे याद है बचपन में भी जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि बहुत लोग आते थे कि सरकारी नौकरी किसी तरह से इंदिरा जी से कह दीजिए, पिताजी से कह दीजिए, किसी तरह से हमारी लग जाए तो हमारा जीवन बन जाएगा। किस लिए कहते थे ये बात? क्योंकि नौकरी करने के बाद 20-20 साल नौकरी करने के बाद पेंशन तो ठीक ढंग का मिलता था, उसकी सुरक्षा होती थी। आज जितनी भी ये पुलिस कर्मी है, जितने यहां तैनात है, क्या किसी को पुराना पेंशन नहीं मिल सकता? जब आप मांग उठाते हैं तो आपको कहा जाता है कि पैसे नहीं है इसके लिए। तो अगर इसके लिए पैसे नहीं है तो बताइए इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के पैसे कहां से आए? जो हजारों करोड़ रुपए इनके माफ होते हैं वो पैसे कहां से आए? जो मोदी जी 2 हवाई जहाज अपने लिए विदेश में जाने के लिए खरीदते हैं, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज सिर्फ अपने लिए खरीदते हैं, उसके लिए पैसे हैं। 20,000 करोड़ रुपए के आपके पास है खर्चने के लिए नए संसद को बनाने के लिए, जबकि पुराना संसद ठीक तरह से चल रहा है, उसका सुंदरीकरण करने के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान की मांग, किसान का कर्ज माफ नहीं करेंगे, ओपीएस के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो आज की सच्चाई ये है, असलियत ये है, आपने देश को अनगिनत शहीद दिए। इस सरकार ने क्या किया? आपके लिए अग्निवीर ले आए। जब मैं किसानों के लिए लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रही थी, उस समय जब इन्होंने किसानों को कुचला था जीप के नीचे, तो हम उनके परिवार से मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, हमें रोक दिया गया। तो हमने, रात का समय था, हम निकल गए अपनी गाड़ी से, हम चले गए कि हम किसी न किसी तरह हम पहुंचेंगे परिवारों के पास। पुलिस ने सब जगह वो नाकाबंदी की हुई थी, हमें ढूंढ रहे थे, हम ऐसे ही निकल गए गाड़ी में पीछे छुप के। 4 बजे रात को हम एकदम एक दूर एक गांव में थे, कुछ नहीं था वहां, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था, और हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे कुछ साथी जाके देखें कि पुलिस कार खड़ी है, हम दूसरी तरह से निकले। तो मैंने देखा कि कम से कम 30-40 बच्चे 3:30 बजे सुबह सड़क पे आ गए। तो मैंने अपने साथियों से पूछा, ये क्या हो रहा है? अरे, दौड़ लगाने आए हैं। मैंने कहा, दौड़ किस लिए अभी इस समय? कहते, नहीं, ये दौड़ लगाने आए हैं क्योंकि सेना में भर्ती होना चाहते हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यूपी के गांव गांव में, हरियाणा के गांव गांव में, राजस्थान के गांव गांव में ये एक उम्मीद है नौजवानों में कि हम सेना में भर्ती होंगे, हमारा जीवन बनेगा,
हमें अच्छी नौकरी मिलेगी और हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं। और ये आशा ये उम्मीद अपने दिल में रखते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम देश की सुरक्षा करेंगे। बदले में क्या मिला? 4 साल की स्कीम कि आप सुबह ऐसी दौड़ लगा रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, हर तरह की मुश्किलों का सामना करके आप सेना में भर्ती होने की कोशिश करेंगे और सेना में भर्ती होने के बाद 4 साल बाद आप घर वापस आ जाएंगे और आपको वो भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी सेना में मिलती है। तो आजकल जब मुझे नौजवान मिलते हैं मुझे कहते थे हम तो इस बार तो हम भरेंगे ही नहीं एप्लीकेशन, हम भर्ती ही नहीं होना चाहते, क्या फायदा है दीदी। तो जहां जहां आप देखो ये सरकार आपको दबाने की कोशिश करती है और आपके भविष्य को नकारती है, सिर्फ अपनी सत्ता अपना भविष्य देखना चाहती है। आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कहा जहां जहां से रोजगार बनना था वो तो खत्म कर दिया आपने, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस, छोटी दुकानें, यहां से भी रोजगार बनते थे। क्या किया? नोटबंदी लाए, जीएसटी थोप दी, अब हर चीज पे जीएसटी, सब कुछ महंगा हो गया, दुकानदार अपनी कमाई नहीं कर पा रहा। तो जहां जहां से रोजगार बनने थे वो सारा खत्म कर डाला, ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ा दी कि प्रदेश की सरकारें आपके लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही हैं, आपके लिए प्रदेश की अशोक गहलोत जी की सरकार महंगाई राहत शिविर लगा रही है, क्योंकि महंगाई भाजपा की जो देश में जो सरकार है केंद्र में उन्होंने इतनी बढ़ा दी है। मेरी बहनें बैठी हैं, आपको मालूम है जब कुछ पकाना पड़ता है या कोई त्योहार होता है, अभी दशहरा था अब दिवाली आएगी, तो मन में क्या बात है कि किस तरह से मैं करूंगी। आप कुछ खरीदना चाहते हैं घर के लिए, धनतेरस आएगा, धनतेरस पे खरीदना चाहती हैं, तो आपके दिल में हमेशा ये बात होती होगी कि कैसे करूंगी, कमाई तो कम हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको स्कूल भेजना है, उनकी फीस भरनी है, उनकी किताबें खरीदनी है, उनके कपड़े जूते खरीदने हैं, कोई बीमार पड़ जाता है उसका इलाज कराना है। यहाँ तो प्रदेश सरकार ने आपको इतनी मदद दी है, महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, इलाज के लिए 25 लाख का बीमा है, 25 लाख का इलाज मुफ्त। जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाती हूँ और ये बात कहती हूँ तो चौंक जाते हैं, वहां तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो दिल में इतना टेंशन हो जाता है, इतनी घबराहट हो जाती है कि किस तरह से हम इसका इलाज भी कराएंगे। तो ये परिस्थितियां हैं आज की, तो इन सबको आप अच्छी तरह से जब समझेंगे और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं, क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहे, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहे और आपके बारे में सोचे ही नहीं, चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। तो आपका काम है कि नहीं है, आपका दायित्व है, आपका धर्म होना चाहिए और आपका कर्तव्य है कि आप नेता को जवाबदेह बनाओ। और असलियत यह है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेह खत्म हो गई है, वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं, सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते जाइए, लेकिन इस सिलसिले को बंद करना ये आपका कर्तव्य है। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। और देखिए, मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी, मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती है जो सच नहीं है आजकल, लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया।
हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको क्योंकि ये बात सच ही होगी, और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। ईआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने नहीं बनाया ना। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए, इनके सिर्फ खाली घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, खाली लिफाफे हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसको जमीन पे उतारते नहीं है। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी हैं, जितनी घोषणाएं की हैं, आज जमीन पर उतार रही हैं। छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान को देखिए, हिमाचल प्रदेश को देखिए, कर्नाटका को देखिए, और मेरी बातों पे मत जाइए। ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, मेरी बातों पे मत जाओ, इंटरनेट पे जाओ, देखो कि कौन से प्रदेशों में कौन सी गारंटी लागू हो रही है कि नहीं, और आपको खुद दिखेगा, आपका अपना अनुभव है। आप महंगाई शिविर कैंप में गए होंगे, आपको यहाँ की प्रदेश की सरकार ने जितनी भी सुविधाएं दी हैं आपको उसका अपना अनुभव होगा। तो आप मन बना लीजिए इस बार। कांग्रेस की बहुत सारी परियोजनाएं, इधर बड़ी लंबी लिस्ट है, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, सब चीज। पूरे देश में राजस्थान आज स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। स्वास्थ्य बीमा मैंने आपसे कहा 25 लाख रुपए तक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई चल रही है जिसमें 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिल रहा है। कहीं नहीं हो रहा है ये किसी प्रदेश में। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिलता है। इन्होंने 1200 तक इसका दाम कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब चुनाव आ रहा है, उसको घटाने जा रहे हैं, वो भी अपने प्रदेशों में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। धोखा हो रहा है, खोखली बातें हो रही हैं। हमारी सरकार ने यहाँ 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य बनाया है। आपको बिजली बिल शून्य की मिलती है। यहाँ आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। मिनिमम इनकम गारंटी का मतलब है कि जो भी नौकरी करता है, काम करता है, उसको इससे कम पैसे नहीं मिलने चाहिए, इसकी गारंटी है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। जैसे जो यहाँ से गांव से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, कोई उनकी सुरक्षा नहीं देखता, कोई ये नहीं देखता कि वो नौकरी कर रहा है उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए खास ये योजना बनाई गई। 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क हो गई है आपके प्रदेश में। 309 नए कॉलेज बने हैं, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले हैं, हर जिले में अस्पताल और नर्सिंग होम है। सरकारी नौकरियों में ठेका प्रथा खत्म कर दिया गया है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। हमने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले सब कुछ मिलता है। केंद्र की कुनीतियों को
कांग्रेस ने यहां पर आपके प्रदेश में रोकने की कोशिश की है, आपको मदद करने की कोशिश की है। आप इनकी वजह से जूझ रहे हैं और हम आपको मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का जो लिफाफा है वो आपके लिए राहत और सहायता और सुरक्षा की पूंजी से भरा हुआ है। तो मैं तो कहती हूं इनका लाभ उठाइए, अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। आपके सामने सब कुछ है। देखिए, मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि सबसे ज्यादा विवेक पब्लिक में ही है। और जब कोई शक हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है कैसे करना है, पब्लिक के पास जाओ, जनता बताएगी तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। तो इस देश की सबसे बड़ी मजबूती जनता ही है। अफसोस इस बात की है कि आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आप जब आपका ध्यान कहीं और आकर्षित हो रहा है तो भटकाया जा रहा है, आप भटक रहे हो। आप अपना ध्यान अर्जुन की आंख की तरह सटीक रखो। और कहां होना चाहिए यह ध्यान? अपने ऊपर, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर, अपनी खेती पे, अपने रोजगार पे। आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए सरकार क्या कर रही है, किस तरह से यह सरकार आपको मजबूत बनाएगी, किस तरह से यह सरकार आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगी, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए और इससे हटना नहीं चाहिए। तो मैं एक ही चीज मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। मैं ये मांगने आई हूं कि अब चुनाव का समय है, समझ लो ध्यान भटकाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। आज जो भाजपा की परिस्थिति है आपके प्रदेश में, अपने लोगों को समेट नहीं पा रहे हैं, खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। वो तो ये देख रहे कि उनके कौन से वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालें, खुद देख रहे हैं ना। तो आपसे वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? मोदी जी तो आकर कहते हैं कि मुझे वोट दो। भाई मोदी जी थोड़ी बनने जा रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, वो तो प्रधानमंत्री है। तो बात समझिए, बिखरी हुई पार्टी जो आपके भविष्य को ध्यान में नहीं रख रही है, आपके पेंशन काट रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ एक पार्टी जिसके सारे नेता आपके लिए समर्पित है, नौजवान नेता सचिन पायलट, बुजुर्ग नेता जिनका अपार अनुभव है, जो दिन रात आपके लिए एक करते हैं, जिन्होंने देखा कि केंद्र की वजह से आप तड़प रहे हैं और एकदम आपके लिए ऐसी स्कीमें लाए जिससे आपकी सहायता हो सकती है। तो आपके सामने एक चुनौती है, आप अपने भविष्य को चुनोगे या फिर ऐसी राजनीति को चुनोगे जो आपको भटकाया जाए और बार बार धर्म की बात, जाति की बात कर करके आपको इसी खाई में रहने देगी। वही सत्ता में रहेंगे, वही फूलेंगे फलेंगे, उनके बच्चे तो कोई यहाँ पे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, सब बाहर जाते हैं विदेश में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनकी, बड़े बड़े महल हैं, वो तो फूल रहे हैं फल रहे हैं। तो आपका ध्यान कौन रखेगा? तो मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं कि आप जागरूक बनो, सबको समझो अच्छी तरह से, वो अनुभव जिसमें इंदिरा जी की आस्था थी, वो विवेक जिसमें हम सब की आस्था है, उस विवेक को जगाओ और उसी विवेक के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर अपना वोट डालो। एक ऐसी सरकार चुनो जो आपके लिए काम करती रहे। और जब आप ध्यान से सोचेंगे और जब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है और आप देखेंगे कि भाजपा की नीतियां क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं, एक शहीद की पोती हूं, मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है।
और मैं जानती हूँ कि जितने भी परिवार हैं यहाँ झुंझुनू में जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूँ कि आप पे क्या गुजरता होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक ऐसी सरकार चुनो जो आपका आदर करे। जितनी श्रद्धा आपको नेताओं में है, आप नेताओं में रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा नेता को आप में रखनी चाहिए। और अगर नेता भटक रहा है तो आपको सिखाना पड़ेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से 25 तारीख को निभाइए। मेरी बातों को याद रखिए, भूलिए नहीं, बोर तो नहीं किया? अच्छा, बोर नहीं हुआ तो जोर से मेरे साथ बोलो एक बार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा झुंझुनू के जिला अध्यक्ष दिनेश हुंडा जी आए और एक मोमेंटो आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भेंट करें। दिनेश जी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ब्रजेंद्र सिंह आला, पदम श्री श्री राम जी आला, पदम श्री राम जी आला, जय।